देखनी हो जो दुनिया में जन्नत जाके देखे दयारे मदीना, बेशक सुभान अल्लाह। जाऊंगा मदीना पे, देख लूंगा जन्नत भी, देख लूंगा जन्नत भी। दो कदम है जन्नत का फासला मदीना, दो कदम है जन्नत का फासला मदीने से। और एक बड़ा अच्छा शेर लिखते हैं, एक अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने एहसास का इजहार करते हैं कि लोग तैबा जाते हैं, जाके लौट आते हैं। मदीने पाक की वो सरजमीन है जिसके बारे में किताबों में आता उलमा फरमाते हैं, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो पैदा हुए मदीने में, मदीने ही में उनका इंतकाल भी हुआ। क्या इश्क था नबी के दयार से, क्या चाहत थी नबी के प्यारे शहर मुकद्दस से। और क्यों न हो, उस शहर की बात है जिस शहर की मिट्टी भी लाजवाब है, वहाँ के कांटे भी लाजवाब है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उलमा बयान फरमाते हैं कि आपके पैर में एक बार कांटा चुभ गया, लेकिन आप कांटा अपने पैर से न निकालते। लोग कहते हुजूर दर्द नहीं होता है, हुजूर कांटा नहीं निकाल रहे, हुजूर किसी को निकालने भी नहीं देते। इमाम मालिक फरमाते हैं लोगों, ये कांटा मत निकालो, मैं निकालना भी नहीं चाहता। क्या तुम्हें पता नहीं है ये किसी जंगल या किसी बयाबान या किसी चटियल मैदान का ये कांटा नहीं है, अरे ये कांटा नबी के शहर मुकद्दस का कांटा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीदे दीन व मिल्लत भी लिखते हैं कि फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दस्ते तैबा के खार फिरते हैं, दस्ते तैबा के खार फिरते हैं। वो शहर मुकद्दस जहां से